मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एक कानून जब 4 साल पहले, श्रीनेत जी बताएंगे ज्यादा बेहतर से, कि वही कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छा लगता है जिसकी तारीफ होती है, एक साल पहले अपने मैनिफेस्टो में वही कानून बहुत अच्छा लगता है जिसको रिपील करने की बात कर रही हूँ, भले 11वें नंबर पे 10 नंबर करने के बाद, तो आज 1 साल के बाद वो कानून हटाने में किसानों के लिए आप साथ कैसे हो गए हैं? तो ये चरित्र का जो परिवर्तन होता है अचानक, ये अक्टूबर से चरित्र परिवर्तन शुरू हो जाता है, ये कैसे हुआ जरा देश को समझा दीजिए, हम लोग का भी ज्ञान खुल जाएगा, पता नहीं चल रहा है मुझे। ऐसे तो बहस मैं चलती बोलना रहेगी चाहती कांग्रेस हूँ रोहित बीजेपी या जी। बाकी की, मैं किसान समर्थक, मैं किसान विरोधी, लेकिन जरा ये पॉइंट समझाइए श्रीनेत जी, बहुत जरूरी है, समझा रही है, वो तैयार देश है को समझाने कांग्रेस को, पार्टी का स्टैंड समझ एक नहीं आ पॉइंट रहा है। समझाने को तैयार है। बताइए सुप्रिया जी, फिर चीमा जी के पास आ रहा, बोलिए सुप्रिया। मैं एक ही बात का, मुझे तो हंसी इस बात की आ रही है कि बिहार की बात करी जा रही है, बिहार का किसान इस देश में सबसे कम कमाता है, तो बजाय उसकी आय बढ़ाई जाए, अब पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के किसानों की आय भी कम करने की तैयारी हो गई है। बिहार कोई रोल मॉडल नहीं है। सबसे पहले तो जेडीयू के प्रवक्ता को मैं ये बता दूं, और दूसरे चरित्र की बात मत करिए। मैंने तो एक बात उठाई थी कि मोदी जी खुद ही कानूनी जामा पहनाना चाहते थे एमएसपी को, चलिए हम तो बहुत ही बर्बाद थे, क्यों वो अपनी बात से पलट गए? क्यों जो अरुण जेटली कहते थे नेता विपक्ष होने पे, उस बात से भाजपा पलट गई? क्यों राजनाथ सिंह जो कहते थे जब किसान सड़कों पे तो आ मोदी जाता है जी या तो ये भाजपा कलंक ने है और कब घुटने कहा कि टेक देने एमएसपी चाहिए? खत्म हो क्यों जाएगी? नहीं टेक रहे घुटने? लिखित आश्वासन क्यों देने को तैयार हैं और भी संशोधन करने को तैयार हैं, क्यों एमएसपी नहीं खत्म कहा होने की है? बात कहां से आ आप रही? अगर आप एक मिनट आप एक मिनट एमएसपी रुकिए, खत्म अब होने की तो जब बात कहां से आ किसानों ने रही अपने सुप्रिया जी, ये एड़ी चोटी बताइए का ना। दम लगा दिया तो ये कहते हैं, मैं बता रही हूं कैसे आती है, मैं बता रही हूं ना कैसे आती है, बोलने दीजिए मुझे। जब यही पहली बार समझाया कानून आप लोगों बन के ने आया किसानों तो को, उसमें ये लिखकर साफ साफ आया कि एपीएमसी में टैक्स लगेगा, हमने कुछ नहीं समझाया। एक तो पहला प्रिजम्पशन ही गलत है कि किसान कोई दूध पीते बच्चे हैं, उनको कोई समझा देगा और वो बेचारे सड़क पे उतर के प्रदर्शन करने लगेंगे। अरे इस कड़ाके की कैप्टन साहब सर्दी का में बयान 21 नहीं आ दिन रहा से है पिछले बैठे 5 दिनों अपने हक से, की शुरू लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि वो समझते में हैं तो मिलने आ कि गए थे उनके गृह साथ क्या मंत्रालय होने में। वाला है ना। आए किसानों का बयान आना जरूरी है, आप मत अरविंद परेशान केजरीवाल होइए ने कल इतना, एक आप बयान सबके दिया कि बयानों कैप्टन का साहब ने ठेका किसान लेके आंदोलन घूम को रहे हैं, आप बेच सबके दिया। बयानों को मत परेशान होइए। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी का बयान है भाई अरविंद कि कैप्टन केजरीवाल ने अमरिंदर तो सिंह ने अपने किसान आंदोलन को आंदोलन बेच को दिया, बेच दिया। अरविंद केजरीवाल किसको ने तो बेचा? क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने फटाफट पहले कानून पारित कर दिया, उसके बाद बाहर जाकर कहते हैं अरविंद केजरीवाल हम तो यही किसानों के चरित्र साथ तो है, मैं अरे अरविंद समझना जी चाहता आपकी हूं। आम हिम्मत आदमी थी पार्टी तो या कांग्रेस का कैप्टन ये जी ने तो चरित्र कहां बनाया से आया? ना, आंटी एक दिन बनाया समर्थन, ना। एक दिन पीछे हटना, एक दिन अरे कानून आप लागू अपने करना, चरित्र दूसरे की दिन बात किसानों के करिए, साथ खड़े हो जाना। आपका चरित्र, ये आप कौन सा लोटे, चरित्र आप है कांग्रेस लोटा मल पार्टी है और आम आदमी पार्टी का? आपकी बहुत अच्छा पार्टी किया आपने को, बोला। आपकी पार्टी को चरित्र, अरे ये आपका कौन सा चरित्र है? आप चुनाव कहीं और अरे अपना जीतते चरित्र जाते, बताइए ना, कहीं हम और समझा फिर दीजिए कहीं देश और की चले जनता जाते हैं, को आप अपने चरित्र पर वर्णन कि मत कभी सुनिए। कभी कभी कानून का हमें समर्थन हमें करती है, अपना कभी चरित्र किसानों मत का समर्थन समझाइए। करती है। आपका आप चरित्र इसके सारे समर्थन देश ने में देखा है किसानों के कंधों ना पर ना, रख के हम बंदूक किसानों के चलाना साथ बंद है, कीजिए आप सुप्रिया जी, बर्बाद कोई परेशान फायदा नहीं होइए, होगा। आप राहुल गांधी सत्ता को के बोलिए थोड़ा समर्थन हल में वल लेके है, खेत में हम निकले, किसी के तब समर्थन किसानी में नहीं, पता हम किसानों चलेगी। के समर्थन में। दलान और दलान का अंतर नहीं पता है चलने बात किसानों की ऐसा करनी। है कि जो लोग किसान कानूनों पे बात कर रहे हैं वो कुदाल और फड़वे में तो हल जानते नहीं है, डिफरेंस जानते नहीं है, वो जानते नहीं है कि खेती हाँ तो करना ये राहुल होता गांधी क्या की है, बात कर रही वो है ना, जानते नहीं है बिल्कुल कि जब सही कहा। पूरी मेहनत से किसान फसल उगाता हाँ तो है। राहुल गांधी को सही नहीं मैं नहीं कुदाल मैं और आपकी फड़वे बात का कर रही अंतर हूँ, नहीं आप पता चुप होगा, रहिए, आपको एक पता तो आपको होगा। बात करने की तमीज नहीं है, हाँ सबको तमीज असल नहीं है, में दुनिया आपके भर की साथ सारी प्रॉब्लम तमीज क्या लेके क्या? आप आप ही राहुल बैठी गांधी हुई का हैं। नाम नहीं लीजिए तो आपकी बात जफरिस्तान सुनेगा की कौन? बेइज्जत आपको कर देता है, आपका मैं भी कर आपकी देता बात हूँ। कौन सुनेगा? सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी बदतमीज अनर्गल आप ही हैं। बातें करते हैं, चलिए आप प्लीज निरर्थक बातें करते प्लीज हैं, एक सेकेंड, आप अब ये सबको एक दूसरे बदतमीज को के तमीज बातें का पाठ बहुत पढ़ाने अच्छी की बात बजाय, है, आपके मुंह से एक मुझे ये सेकेंड सुनना रुकिए ना सर, बाकी था, प्लीज प्लीज बहुत अच्छी बात है, प्लीज बीजी का प्लीज सारा बहुत रिकॉर्ड अच्छी अपने बात प्लीज है, आप एक इतनी सेकेंड भद्रता एक से दूसरे को नेशनल तमीज का टेलीविजन पर पाठ बात पढ़ाने की कर रहे बजाय हैं, नेशनल मसले टेलीविजन पर पर कर रहे हैं अगर या सीधे अपनी सीधे बात स्पष्ट दिखा बात रहे हैं, हो आप क्यों अपनी कि किस आवाज दिखा पार्टी रहे हैं की नेशनल कब क्या टीवी नीति पर, रही है और नेशनल क्या टीवी वक्त पर के किस साथ तरह की साथ बातें करते हैं? सबने मौका और जरूरत देख के अपनी अपनी नीतियां बदली हैं। चीमा ये साहब, नेशनल टीवी पर आकर इन्होंने ऐसी मोदी जी बातें का करते हवाला हैं, दिया मैं कि भद्र आदमी है, मोदी इनसे जी मैं पहले क्या विरोध बात करते करूं? थे जब सीएम थे, अब अरे पीएम कुछ है तो और उसका कहने समर्थन दीजिए करते हैं सुप्रिया अपनी जी, सरकार में, और वो कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस के अपने किसका मैनिफेस्टो में यह सब समर्थन बातें थी, करते अब हैं? मेरे कांग्रेस देखिए प्रधानमंत्री सत्ता का से बाहर विरोध है कर रहे तो वो हैं। कुछ और बातें करती है। चीमा साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपको लगता है राजनीतिक अरे पार्टियां मोदी जी ने समय क्यों वक्त बदल दी मौसम बातें? के हिसाब से बदल जा रही चरित्र हैं? क्या क्या हुआ? चरित्र किसान का रोहित भला जी कोई नहीं ने कर रहा? कर रहे थे ना ये? हाँ रोहित जी, अनर्गल जी मैं चरित्र का बर्बाद कर रहे थे, मोदी विनती जी कभी करता चरित्र हूँ, का बर्बाद थोड़ा करते हैं भाई? आवाज तो बात बंद चीमा जी कराइए, विनती कर रहे हैं आप लोग, उनकी भैया बात सुन लें, इनको जरा सुन लें, सिविलिटी बताइए, कम से कम सुन लें उनकी बात, ये सिविलाइज डिस्कशन है सुप्रिया जी, प्लीज सिविलाइज डिस्कशन है, प्लीज प्लीज सिविलिटी सर, लाइए थोड़ी सी, सर कांग्रेस के प्लीज, प्रवक्ता ठीक सर को प्लीज, मैं सिविलिटी बता रहा हूँ ना, चाहिए, मैं हूँ समझाओ बताने के लिए बात है, प्लीज डिस्कशन सर का प्लीज प्रमाण पत्र नहीं प्लीज चाहिए, सुप्रिया जी चीमा जी को सुन लेते हैं, आखिरी कमेंट प्लीज सुप्रिया जी चीमा जी को सुन लेते हैं, आप तो एंकर थी, चीमा जी आपको प्लीज बोलिए अपनी बात, प्लीज जफर साहब,
प्लीज। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, जहां तक बीजेपी का सवाल है, जेडी का सवाल है, मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि किसानों के साथ हमदर्दी तो सभी जाहिर करते हैं, लेकिन पॉलिसी बनाने के समय अभी पार्लियामेंट का अगर नक्शा देखा जाए तो इतना सीरियस मैटर था ये, किसानों का आंदोलन शुरू हो गया था क्योंकि ये एक्ट जो था ये ऑर्डिनेंस में आया था और बिल जो है 4 महीने लेट बाद आया, तो उससे पहले पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने ऑर्डिनेंस पढ़ा हुआ था, लेकिन उस बिल के बारे में पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए कौन सी विरोधी धिर भी जो है वो गंभीर थी। चलिए सर, ये अपने आप में एक अलग बहस है और इसको लेके भी लगातार एक दूसरे के ऊपर तीखे तीखे आरोप लगते रहे, लेकिन मसला यह है कि इस सारी बयानबाजी के बीच किसान वहां बैठा है। दिल्ली में 6 डिग्री तापमान अब चला गया, इस सर्दी के बावजूद किसान वहां पर टिके हुए हैं और इस बात पर कायम है कि कानून वापस लीजिए वरना आंदोलन चलता रहेगा।